अंजलि क्या पढ़ा तुमने आज? तोता और राजा की कहानी। तोता और राजा की कहानी, इसके बारे में बताओ। एक महल था, उसके बगीचे में एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर एक तोता रहता था। और तो एक दिन तोते को एक सोने की असरपी मिली। और तोते ने सोचा, इस असरपी का मैं क्या करूँ, मैं इसे राजा को दे देता हूँ। तोते ने सोचा कि मैं राजा को यह असरपी दूंगा तो राजा मुझे धन्यवाद बोलेंगे। लेकिन तोते ने जब राजा को असरपी दी तो राजा ने कुछ नहीं कहा और असरपी लेकर अपनी सभासद में चले गए। सभासद में जाकर वो सबको अपनी असरपी दिखाने लगे। देखो देखो, ये कितनी सुंदर असरपी है। इस बात सुनकर एक सभासद ने पूछा कि राजा, ये असरपी आपके पास कहाँ से आई? तो राजा ने बोला कि मेरे पुराने लोगों के समय से यह असरपी मेरे पास है। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा और फिर भी ये बात तोते को पता चली। तो तोते ने राजा से कहा कि आपने झूठ क्यों बोला राजा, आपने ये क्यों नहीं कहा कि मुझे यह असरपी एक तोते ने दी है? राजा कहने लगे, अगर मैं ये कहता तो सब लोग मुझ पर हंसते और कहते कि आपने एक तोते से ये असरपी ले ली, इसलिए मैंने ये नहीं कहा। तोता बोलने लगा कि सच तो यही है, मैं सबको सच बताऊंगा। तो राजा ने इठलाकर बोला कि तुम्हारी बात पर विश्वास कोई नहीं करेगा। और फिर तोता जाकर अपनी उसी पेड़ के घोंसले के अपने घोंसले के ऊपर बैठ गया और कहने लगा कि सुनो, बात सुनो सब करके गौर, राजा ठहरा पक्का चोर। बात सुनो सब करके गौर, राजा ठहरा पक्का चोर। जो तोते ने उसे असरपी दी, राजा अब कहता अपनी जो एकदम चीज पर आई, मैंने जो ये बात बताई, राजा ने डर फौज बुलाई। एक छोटे से तोते को भी खुद ना मार सका है भाई, अब होगी इसकी जगत हसाई। अच्छा, इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। अंजलि ने ये कहानी पढ़ी, इसको बहुत अच्छी लगी बेटा? बहुत अच्छा।